कैसे आप लोग? हम लोग पढ़े थे संख्या पद्धति की, आज अगली सीरीज पढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं इकाई का अंक ज्ञात करना या इकाई का मान ज्ञात करना। दोस्तों आप सभी साथियों को हमें कहेंगे कि इसकी नोट्स आप बनाते चलिएगा, इस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए इकाई का अंक ज्ञात करने देखते हैं। जैसे प्रश्न दे दिया या कोई प्रश्न दे दिया इस तरह से, कह दिए इस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा। तो दोस्तों अगर इसका हम गुणा करके निकालना चाहेंगे तो काफी वक्त लगता है, काफी समय भी लगता है। तो इसलिए हम इसको सॉल्व करने के लिए जब इकाई का अंक पूछता है तो सदैव हम इकाई के अंक का ही प्रयोग करते हैं। इकाई का अंक क्या क्या, जैसे देखिए यहाँ 7, 4 और 6, तो 7 चौक 28, 28 को क्या लिखेंगे ये, फिर 28 केवल 8 ही लेंगे, केवल हम इकाई का अंक लेना है, फिर 8 × 6, 8 × 6, 48 का मान इकाई का अंक कितना होगा इसका, 8 होगा। क्या होगा? 8 होगा। और आगे देखते हैं हम लोग कैसे, ये देखिए इसके इकाई का अंक क्या होगा, 437 × 545 × 362 के इकाई का अंक क्या होगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब किसी भी गुणा करते समय एक 5 आ जाए और एक कोई सम संख्या आ जाए तो उसके इकाई का अंक सदैव शून्य होता है। इसका भी देखिएगा, 7 × 5 = 35, 5 लिए 5 × 2 = 10 के 0। लेकिन यार कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि एक सम संख्या आ जाती है और एक 5 आ जाता है तो उसके इकाई का अंक सदैव 0 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी प्रक्रम में। जैसे देखिए अब कह दिया इसके इकाई का अंक क्या होगा, तो इसके इकाई का अंक देखने के लिए या तो पूरा गुणा करें या तो हम देखते हैं यहाँ पे 5, 6, 1 सम संख्या कोई मिल जाए। जैसे यहाँ पे कोई संख्या, मान लो यहाँ पे 8 ही था, अगर कोई भी सम संख्या मिल जाए उसके बाद कोई भी अंक रहे उसके इकाई का अंक सदैव शून्य ही आएगा। समझ आ गया आप लोग को? तो यहाँ से एक प्रश्न आते हैं अधिकतर, तो ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा। लेकिन इसमें छोटा सा एक क्वेश्चन को बड़ा करने का तरीका क्या, थोड़ा सा बचाने के लिए वो देख लेते हैं वो किस तरह से आता है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इसी पे घातांक पे आधारित। तो पहले इसको समझ लेते हैं हम लोग, तब पढ़ते हैं घातांक पे। जैसे दे दिया 37 × 72 × 56 + 74 × 58 × 86। अब इसे प्लस का चिन्ह दे दिया, फिर पूछता है इसके इकाई का अंक क्या होगा, वही नियम पहले इसका देख लेंगे। 7 × 2 = 14, 14 × 4 = 24, 4 हो गया प्लस, फिर 4 × 8 = 32 और 32 × 8 = 12 कितना हो गया 2, इकाई कितना होगा 6, माइनस होता 4 × 2 = 2। कुछ भी नहीं करना है, जो चिन्ह है उस चिन्ह को फॉलो करना है, बाकी जिस तरह हम लगाते हैं उस तरह लगाते रहेंगे तो आपको उत्तर आसानी से प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इकाई का ज्ञात करने के लिए कुछ रूल और कुछ फॉर्मूले को। जैसे कभी कभी घातांक और आधार देता है, जैसे अभी एक अध्याय इसका है घातांक, आधार और घातांक, घातांक और कर्णी, कर्णी, ये अलग से पढ़ना ही है। लेकिन आज थोड़ा सा उसका चर्चा हम लोग इस संख्या पद्धति में कर लेते हैं और फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। संख्या पद्धति सबसे बड़ा अध्याय होता है, ये कभी मत मान चलेगा कि संख्या पद्धति बहुत छोटा होता है, संख्या पद्धति का जो अध्याय होता है वो काफी बड़ा होता है। जैसे दे दिए ए घाते बी, इसमें क्या होता है कुछ बातें समझ लीजिए, ए आधार होता है, बी घातांक होता है, इसे बेस कहते हैं, इसे पावर कहते हैं, ठीक है। चलिए अब जब कुछ नोट में लिख लीजिएगा, जब किसी भी, जैसे किसी भी आधार की घातांक कुछ भी हो जाए, जैसे दे दिया मान लीजिए दे दिया 31 × 86 का इकाई अंक क्या होगा, 31 × 86 का इकाई अंक क्या होगा। तो पहले इसके लिए सिंपल सा नियम लिख लेते हैं, उसके बाद आम लोग आगे काम करते हैं। पहले एक नियम लिख दीजिए, जब किसी भी दी गई संख्या के, क्वेश्चन एक नोट लिखिएगा, किसी भी दी गई संख्या के यदि इकाई अंक, यदि इकाई का अंक क्या क्या हो, 1 पहले 0 सॉरी लिख 0 1 5 6, यदि किसी भी संख्या के दिए गए संख्या का इकाई अंक 0 1 5 6 कुछ भी हो और उसकी घातांक चाहे जितना लगा दिया जाए उसके इकाई अंक सदैव वही संख्या प्राप्त होगी या वही अंक प्राप्त होगा। कहने का मतलब यदि किसी भी दी गई संख्या के इकाई अंक 0 1 5 6 में से कोई भी हो उसकी घातांक चाहे जितनी भी लगा दी जाए उसके इकाई अंक सदैव वही प्राप्त होगा। जैसे 31 × 86 इकाई अंक 1, अब जैसे आ गया 70 घाते
122 इकाई का अंक जीरो। समझ आ रहा आप लोग को? फिर आ गया जैसे ऐसे 75 घाते 312 इकाई का अंक पांच। फिर दे दिया 216 घाते 216 इकाई का अंक छह। हम ये कह सकते हैं माने किसी भी संख्या के यदि इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो और उसकी घातांक चाहे जितनी लगा दे उसके इकाई का अंक सदैव वही संख्या प्राप्त होगी। इसे नोट में लिख लीजिएगा, ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन अब अगला प्रश्न आता है, यदि इसके इतर इसके भिन्न हो तो क्या करेंगे? यदि इसके भिन्न इतर हो तब क्या करेंगे? हाँ, यह सवाल काफी महत्वपूर्ण है और बेहतर है कि यदि उससे इतर होगी तो क्या करेंगे। फिर उसके लिए कुछ रूल है, जैसे दे दिया जैसे 38 घाते 66 दे दिया और पूछ दिया का इकाई का अंक होगा, 38 घाते 66 के इकाई का अंक होगा। तो दोस्तों इसके लिए क्या होता है, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं वो आपको लिख लीजिएगा। पहले क्या करते हैं, पहले आप लोग नोट बना के लिखिएगा, यदि किसी भी संख्या का कोई घातांक दिया गया हो या किसी भी संख्या के घातांक देकर उसका इकाई का अंक ज्ञात करना हो तो क्या करते हैं, तो लिखिए क्या लिखते हैं। सर्वप्रथम दिए गए घातांक में 4 का भाग देते हैं, सर्वप्रथम दिए गए घातांक में 4 का भाग देते हैं, फिर भागफल के बाद जो शेष बचता है वही इकाई के अंक की घातांक लगाकर लिखते हैं, फिर प्राप्त संख्या जो इकाई का मान होता है वही उत्तर होता है। अथवा यदि दिए गए घातांक में 4 से भाग देने के बाद भागफल पूरा चला जाता है, शेषफल 0 बचता है, तो दिए गए जो इकाई का अंक होता है उसका घातांक 4 लिखते हैं, फिर उससे जो इकाई का अंक प्राप्त होता है वही उत्तर होता है। आपको समझ अभी नहीं आएगा, अब समझ में आएगा। हमने क्या कहा कि दिए गए घातांक में 4 का भाग देते हैं, जैसे अब 66 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो कितना जाएगा, 4 के 4 2 फिर 4 6 24 शेषफल कितना आया, 2 आया। हमने क्या किया, दिए गए घातांक में 4 से भाग देते हैं, जो शेष बचता है वह इकाई की घात लगाते हैं। 8 की घात क्या लगाएंगे, आप 2 लगाएंगे, तो 8 8 64 इकाई का क्या हो गया, 4 हो गया। इकाई का क्या होगा, 4। तो अगर हम कह दें 38 घाते 66 के इकाई का क्या होगा, इकाई का क्या होगा, 4 होगा। समझ में आ गया आप लोग को? मैंने क्या किया, दिए गए घातांक में 4 से भाग देते हैं, जो शेष फल होता है वही इकाई की घात लगाते हैं, और जो प्राप्त अंक होता है उसके इकाई का अंक उत्तर होता है। अब कंडीशन एक और होती है, अब जैसे अभी क्वेश्चन और लेते हैं, इसको सुनना आ गया, इसकी इकाई का कितना आया, 4 आया। अब जैसे लेते हैं, अब ले लिया हम लोगों ने जैसे 53 घाते 96। इस कंडीशन में क्या करेंगे, 53 घाते 96 है। अब इसमें हमने क्या किया, घातांक में 4 से भाग देंगे, अब 96 में आप 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 0 बचेगा। कितना आया शेषफल, जब शेषफल 0 बचेगा तो क्या करेंगे, तब जो इकाई अंक होगा उसकी घातांक सदैव 4 लिखेंगे। 3 घाते 4 को लिखेंगे, 3 × 3 × 3 × 3 इधर गुणा कर देंगे, 3 × 9 × 9 = 81 माने 1, इसके इकाई का क्या आएगा, 1 प्राप्त होगा। तो ये आप लोग समझ लीजिएगा, हमने क्या किया, सबसे पहले दिए गए जो संख्या दी गई थी उसके क्या किया, जो संख्या दी गई थी उसके जो घातांक थी घातांक में 4 से भाग दिया, यदि भागफल पूरा चला गया इकाई की घात 4 लिखेंगे, अथवा अगर शेष बच जाएगा तो जो शेष बचेगा वही इकाई के अंक का घात लिखते हैं, जो उसका इकाई का अंक प्राप्त होता है वही इसका उत्तर होता है। चलिए कुछ प्रश्न आपको अभी देते हैं, फिर इसके बाद कुछ और प्रश्न आपको कराएंगे इससे जुड़े हुए अन्य प्रश्नावली, ये आप लोग समझ लीजिएगा। पहले हम आपको कुछ प्रश्न दे देते हैं, उसे सॉल्व कर लीजिएगा, फिर उसके बाद इसी प्रक्रम में हम सब और आगे पढ़ेंगे। जैसे आप लोग लिख लीजिएगा 37 घाते 54 182 घाते 55 74 घाते 92 36 घाते 48 24 घाते 71 37 घाते 412 58 घाते 512 44 घाते 44
इन सभी को आप लगा लीजिएगा। उसके बाद लगाने के बाद यह अगर आपको समझ में आ जाए तो इसके बाद इससे जुड़ी हुई जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको करा देंगे, क्योंकि यहाँ से प्रतिवर्ष प्रश्न आते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। और आप सभी लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। और आप फेसबुक पेज ई-लर्निंग विद दुर्गेश और टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करेगा बिना स्पेस दिए, आपको इससे जुड़ी हुई नोट्स मिल जाएगी। हमारे यहाँ सभी नोट्स और सभी ऑनलाइन क्लासेज आपको उपलब्ध है। और आप सभी को बेहतर लगे तो आप सुझाव जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप इन सभी को उत्तर बताइएगा। और हम आशा करते हैं ये आपको समझ आ गया होगा। और साथ ही साथ आप सभी को आपकी आगामी परीक्षा के लिए मेरी तरफ से ढेर शुभकामनाएं। आप लोग मेहनत करते रहिए, हम आपके साथ हैं। बस इस चीज को समझ लीजिएगा, इससे जुड़े जो प्रश्न होता है कल इसको हम सॉल्व कराएंगे। तब तक के लिए आप सभी साथी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।